हे कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी बहन का पुत्र करेगा, तेरा काल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस बेहद ही क्रूर और निर्दयी था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को अपने बलपूर्वक राजगद्दी से हटा दिया और बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। राजा कंस के क्रूरता और निर्दयता से सारी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति चाहता था। कंस के एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक दिन वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी बहन का पुत्र करेगा, तेरा काल। तेरी बहन ही ने कराई थी, देवकी का आठवां पुत्र ही तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही उसका अपनी बहन के प्रति प्रेम खत्म सा हो गया और उसने देवकी के पति वासुदेव जी को मार डालने की ठान ली। तब देवकी ने विनय पूर्वक कहा कि वह अपनी संतानों को खुद उसके पास ले आएगी। यह बात सुनकर राजा कंस ने देवकी के पति वासुदेव को नहीं मारा, लेकिन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया और उन पर कड़े पहरे लगवा दिए। फिर क्या, वासुदेव और देवकी के एक एक करके सातों बच्चों को कंस ने मार डाला और जब आठवां बच्चा जन्म लेने वाला था तो पहरा और भी सख्त करवा दिया। उधर वासुदेव जी के गहरे मित्र नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा जन्म लेने वाला था और यही एक अच्छा अवसर था जब कंस के आंखों में धूल झोंकी जा सके। फिर क्या, एक ही दिन में देवकी को पुत्र और उसी समय यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। लेकिन देवकी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसी वक्त भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वासुदेव जी से कहा कि तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल छोड़ आओ और उनके यहाँ जो सिर्फ माया रूपी कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। फिर क्या, प्रभु जी की कृपा से सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागृह के सभी द्वार आसानी से सब खुलते चले गए। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर अपने मित्र नंद जी के घर ले आए और कान्हा जी को यशोदा माता के पास सुलाकर बदले में कन्या को कारागार ले आए। जब सारा कार्य हो गया तब सबकी नींद खुल गई तथा वासुदेव और देवकी भी ये सब बातें भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी ने आठवें संतान को जन्म दिया है तो वह कारागार आया और देखा कि आठवीं संतान तो एक कन्या है, लेकिन डर के कारण उसने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन कर पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य देगा। यह सब कहकर वह कन्या आकाश में विलीन हो गई। यह सब देखकर कंस तो बहुत अधिक व्याकुल हो गया। तब कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल को बहुत से दैत्यों राक्षसों को भेजा। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर उन्होंने कंस को भी मारकर कंस के पिता उग्रसेन को राज गद्दी पर बिठाया। माता यशोदा तथा नंद बाबा ने संपूर्ण गांव के साथ मिलकर पहला जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था। तभी से श्री कृष्ण के जन्म तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।